कैंडिडेट अंदर नहीं है, अंदर कैंडिडेट अंदर। अरे कौन कहता भाई, मैं कह रहा हूँ ना कैंडिडेट अंदर। बहस की ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह को यहां एक पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया। भोला सिंह जब बूथ पर पहुंचे तो ईवीएम के पास जाने लगे, लेकिन बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। कैंडिडेट अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, अंदर कैंडिडेट अंदर। अरे कौन कहता भाई, मैं कह रहा हूँ ना कैंडिडेट अंदर। क्या नाम है अभी? मेरा नाम जीतन है। पता करेंगे, बाकी वो थोड़ी वहाँ नहीं जाएंगे, वो बक्से पर केवल यहाँ जानकारी। हाँ, यहाँ बक्से पर नहीं जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे, यहीं तक जानकारी करेंगे। नहीं, सुरक्षा कर्मी ने जब भोला सिंह को रोका तो वो भड़क गए और उन्होंने सीधा डीएम को फोन लगा दिया, जिसके बाद डीएम ने सुरक्षा कर्मी से बात की और तब भोला सिंह को कमरे के अंदर जाने की इजाजत दी गई। हेलो, हाँ सर बोलिए। बाहर नहीं दे सकते सर, हमारे को अलाउ नहीं है कि एडीएम के पास जाने के लिए। सर हाँ सर जी, सर डीएम की इजाजत के बाद भोला सिंह न सिर्फ कमरे में गए बल्कि लोगों से भी मुलाकात की, जिसके बाद बुलंदशहर के डीएम ने सांसद भोला सिंह पर बड़ी कार्रवाई की। भोला सिंह के किसी भी पोलिंग बूथ पर जाने से रोक लगा दी गई है। पहली बात है कि इसमें प्रत्याशी को बूथ देखने की परमिशन दी गई थी, इस प्रकार से उसके अंदर जाके उसमें जो मॉडल कोड का अगर विधि वायलेशन है तो उसके लिए हम लोग नोटिस भी दे रहे हैं और आज उनको नजरबंद भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक प्रत्याशी पोलिंग बूथ पर जांच करने के लिए जा सकता है कि क्या मतदान सही तरीके से हो रहा है या नहीं, लेकिन वो ईवीएम मशीन के पास नहीं जा सकता। पोलिंग बूथ में बैठे अधिकारियों से मुलाकात करना ही प्रत्याशी के अधिकारों में है।